हाय फ्रेंड्स, दिस इज ज्योति फ्रॉम ज्योति रानी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। होप सो आप लोग सब अच्छे होंगे और आज मैं आई हूँ एक नई वीडियो के साथ। तो आज मैं क्रिएट करने वाली हूँ आलिया भट्ट इंस्पायर्ड मेकअप ट्यूटोरियल। तो जो मैंने मेकअप अभी यहाँ पे किया हुआ है, यही आलिया भट्ट इंस्पायर्ड मेकअप है। तो उन्होंने रेड कलर का ड्रेस, किसी अवार्ड फंक्शन का वो फोटो है, तो जो भी मुझे दिखा फोटो से, मैंने जो भी कैप्चर किया नॉलेज, उसके अनुसार मैंने ये लुक क्रिएट किया है। तो चलिए ज़्यादा बातें ना करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो तो मैंने यहाँ पे अपना CTM प्रोसेस कर लिया है। अब मैं एलोवेरा जेल लगा रही हूँ। तो एलोवेरा जेल एज ए प्राइमर यूज़ कर रही हूँ यहाँ पे। मैं प्राइमर यूज़ नहीं करती हूँ जनरली, क्योंकि एलोवेरा जेल बहुत ही मतलब प्योर होता है और केमिकल फ्री होता है, इसलिए मैं एलोवेरा जेल एज ए प्राइमर यूज़ कर रही हूँ। तो आपने देखा होगा मेरे बहुत सारे वीडियो में। अब मैं यूज़ करूँगी SQ का लिक्विड फाउंडेशन। तो मैं ये लिक्विड फाउंडेशन है, तो ब्रश और ब्यूटी ब्लेंडर से इसे ब्लेंड करने में बहुत टाइम और बहुत मुश्किल होता है, तो मैं इसे ब्लेंड करूँगी हाथ से ही। और हाथ से बहुत अच्छा ब्लेंड होता है फ्रेंड, हाथ से ही बहुत अच्छा ब्लेंड होता है। आप ब्रश या ब्यूटी ब्लेंडर से करोगे तो बहुत मुश्किल होता है, केकी हो जाता है फाउंडेशन ये वाला। और ये बहुत ही अच्छा नेचुरल फिनिशिंग देता है। और इस फाउंडेशन की सबसे अच्छी खासियत बात क्या है कि इसमें ना ही सल्फेट है ना ही पैराबेन है, तो ये पैराबेन फ्री फाउंडेशन है, जो मुझे बहुत अच्छा लगा इसमें। और फिर जब ये अच्छे से सेट हो जाता है तो एक बहुत अच्छा नेचुरल लुक देता है, वो भी मुझे बहुत पसंद आया। और यहाँ पे मैं कोई कंसीलर यूज़ नहीं कर रही हूँ, सेम फाउंडेशन से थोड़ा सा लेकर अपने आईज़ के ऊपर, आईलिड के ऊपर और नीचे लगाऊंगी, और थोड़ा सा अपने पिगमेंटेशन एरिया के पास, मतलब मौत के एरिया के पास लगाऊंगी, और फिर से अपने हाथ से इसे ब्लेंड करूंगी। तो जितने भी प्रोडक्ट मैं इसमें यूज़ कर रही हूँ, ये सब अंडर 200 रुपीज़ है। बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं जो अंडर 100 भी हैं, तो बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस वाले मेकअप है ये। और उसके बाद देखिए अच्छे से ब्लेंड करना है आपको, बहुत अच्छे से ब्लेंड करना है, ब्लेंडिंग बहुत अच्छे से करना है। और गर्मी है तो आपको अपने मेकअप को सेट करना है लॉन्ग लास्टिंग के लिए, तो मैं यहाँ पे NYB का कॉम्पैक्ट यूज़ कर रही हूँ। और दूसरी बात, आप चाहें तो लूज़ पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं, वाइली स्किन वाले लूज़ पाउडर ही यूज़ करें, ज़्यादा अच्छा रहेगा गर्मियों के लिए। सेट कर लिया है, अब मैं अपने आईब्रो को फिल करूँगी। तो जो मैं मेकअप आलिया भट्ट का इंस्पायर कर रही हूँ यहाँ पे रिक्रिएट, उसमें उनका आईब्रो अनइवन लग रहा था, मुझे नहीं लग रहा था उन्होंने आईब्रो फिल किया था, लेकिन मैं यहाँ पे तब भी थोड़ा बहुत फिल कर ले रही हूँ। तो मैं यहाँ पे ब्राउन कलर यूज़ की हूँ आईब्रो फिलिंग के लिए। अब मैं अपने आई शैडो की तरफ बढ़ रही हूँ। तो आई शैडो के लिए भी उन्होंने बहुत ही लाइट कलर यूज़ किया है, तो मैं देखिए यहाँ पे ये कलर लेने वाली हूँ। ये ब्राउन का लाइट कलर है, एकदम लाइट कलर है ये, और उन्होंने भी यही सेम कलर यूज़ किया है, तो मैं भी वही ले रही हूँ। तो मैं थोड़ा थोड़ा लूँगी और अच्छे से ब्लेंडिंग ब्रश की हेल्प से ब्लेंड करूँगी दोनों आँखों में। तो ये आलिया भट्ट इंस्पायर मेकअप है, तो मैंने बहुत हद तक कोशिश की है उनकी तरह ही मेकअप करने का। उनके जैसे महंगे प्रोडक्ट तो मैं यूज़ नहीं कर रही हूँ, जो मेरे बजट में है मैं उसी का यूज़ करके क्रिएट कर रही हूँ मेकअप लुक यहाँ पे आलिया भट्ट का। और जैसे भी, ज़रूरी नहीं है कि आपको उन्होंने जो मेकअप प्रोडक्ट यूज़ किए हैं उसे ही यूज़ करना ज़रूरी है। आपके पास जो भी है आप उसे मेकअप करें, उसे ही रिक्रिएट करें अपना मेकअप। तो देखिए मेरा डिज़ायर कलर ऑलमोस्ट मिल गया है, एकदम सेम कलर मिला है मुझे जो आलिया भट्ट ने लगाया है। और फिर सेम कलर को ही मैं स्मजर ब्रश की हेल्प से लेके नीचे भी स्मज कर लूँगी। और उन्होंने कोई आईलाइनर या काजल यूज लगाया नहीं है इस वीडियो में, सॉरी इस उस फोटो में, जो फ़ोटो मैंने निकाला उनके इंस्टाग्राम अकाउंट से। तो मेरा आई मेकअप कंप्लीट हो गया है, अब मैं लगाने वाली हूँ नेक्स्ट सॉरी ब्लश। तो मैं सेम पैलेट में से ये पिंक कलर ले रही हूँ और ये स्पॉन्ज की हेल्प से ही लगा रही हूँ। अब मैं लगा रही हूँ मस्कारा। जैसे कि मैंने आपको बताया, उन्होंने कोई काजल और आईलाइनर नहीं लगाया है, तो उन्होंने भी मस्कारा ही लगाया है और उन्होंने कोई फॉल्स आईलाइसेस भी यूज़ नहीं किए हैं। तो मैं भी यहाँ पे मस्कारा ही यूज़ कर रही हूँ सिर्फ।
देखिए कितना ब्यूटीफुल लगने लगा सिर्फ मस्कारा लगाने के बाद ही मेरा आईज। अब मैं यहाँ पे ये गोल्डन सेट लेके एज ए हाइलाइटर यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि यह उनके नोज़ एरिया और फॉरहेड में बहुत ज़्यादा ग्लो और चमक रहा है, तो मैं वही यहाँ से गोल्डन सेट लेके और लगा ले रही हूँ एज ए हाइलाइटर, ताकि मुझे भी वो ग्लो मिल जाए। तो ऑलमोस्ट देखिए मुझे मिल गया है वो ग्लो जो मुझे चाहिए। तो अब नेक्स्ट मैं लिपस्टिक की तरफ बढ़ती हूँ, लिपस्टिक लगाने वाली हूँ। तो NYBA का रेड कलर का लिपस्टिक यूज़ कर रही हूँ, उन्होंने भी रेड कलर का ही यूज़ किया है, एकदम सेम कलर मुझे मिल गया है जो उन्होंने लगाया है। तो देखिए ऑलमोस्ट मेरा मेकअप डन हो गया है, मैंने क्रिएट कर लिया उनका लुक, अब मैं मिलती हूँ। तो ये मेरा फाइनल लुक है जो मैंने आलिया भट्ट से इंस्पायर होकर उनका लुक क्रिएट किया है। तो वो तो ये वीडियो आप लोग के लिए अच्छा लगा हो, और कैसा लगा ये मेरा मेकअप, मैंने रिक्रिएट किया है उनका लुक। तो अगर कोई इसमें मिस्टेक हुआ हो तो उसके लिए सॉरी, लेकिन आई थिंक मैंने फुलफिल किया है सब कुछ उनको जैसा उन्होंने किया, उन्होंने इस लुक में किया है। यहाँ पे मैं फ़ोटो आपको डाल रही हूँ, तो आप मैचअप कर सकते हैं। तो सो आप लोग को अच्छा लगा हो, अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो कर कीजिए लाइक। आप जो मेरे चैनल पे नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। टिल देन बाय, सी इन द नेक्स्ट वीडियो।